हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं कटिहार में हूँ और मैं कल रात को ही आई हूँ। सो देख रहे हैं घर का क्या हाल है, क्योंकि सारा कपड़ा वगैरह बिखरा हुआ है। हम लोग सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, विंटर का कपड़ा भी निकाल रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, व्लॉग छोटा सा ही होगा, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ आप लोगों को दिखाने का। সন্তোষ সব ভালোভাবে গুছিয়ে রাখ, আর বাবুর কোট জ্যাকেট গুলো একটা তাকে গুছিয়ে রাখ। পেলে মেরা বেটা কা আলমিরা মে অ্যারেঞ্জ করুঙ্গি, উসকে বাদ মেরে বেটি কা আলমিরা মে অ্যারেঞ্জ করুঙ্গি। মেরা হো গয়া হ্যায় লগভগ, থোড়া সা বাকি হ্যায়, মেরা হাজবেন্ড কা ভি হো গয়া হ্যায়, ও ভি আপ লোগো কো দিখাউঙ্গি। মাসি बाबू का कपड़ा जैकेट सब एक ताक में और कोट सब एक ताक में रखिएगा, ठीक है? डॉली दी क्या बन रहा है खाने में? आइए ना, देखिए हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं कपड़ा सब। चलो संतोष, इसको सूटकेस में डालो, बना देते हैं और सब्जी बना रहे हैं। हाँ बनाइए, फिर बाकी खाना बाद में बनाएगा, बैठिए चुपचाप। शाम बन रहा है बंदा कॉपी का सब्जी और रुमाली रोटी और चावल का खीर। गुड़ जो लाए थे गुड्डू भैया सिलीगुड़ी से, वही। अरे वाह क्या बात है, बहुत टेस्टी होता है यहाँ, लेकिन मिलेगा नहीं भैया, वही हम लोग को मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पे हर चीज मिलता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग कल ही आए हैं, तो थोड़ा सा विंटर का कपड़ा वगैरह ये सब निकाल रहे हैं। और मैं इस वीडियो में दार्जिलिंग से जो जो शॉपिंग की हूँ उसका कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो जो गिफ्ट्स था लगभग मैंने सबको दे दिया, लेकिन मैंने अपने लिए जो जो लिया, मेरा बेटी के लिए जो जो लिया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसे कि हर लेडीज़ का अपना घर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मेरे लिए भी है। मैं शूट करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये भी मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो मुझे ये भी एकदम अच्छा से करना है, ताकि किसी को कंप्लेन ना रहे कि मैं दोनों चीज़ बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। सो शायद ये व्लॉग आप लोगों को उतना पसंद नहीं आया, इसमें ग्लैमर का कमी होगा, अरेंजमेंट का कमी होगा, लेकिन ये नेचुरल है फ्रेंड्स। और जो नेचुरल है मैं वो चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि अंकिता का जो नेचुरल लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं और गुड्डू भैया दोनों ने कि आज जो रियलिटी है वो आप लोग देखिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है कि आप इतना अच्छा लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। क्या बात है, और इस ब्लॉग पे मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा हम लोगों को लाइक मिलेगा, क्योंकि ये आम ब्लॉग है। फ्रेंड्स, ये सब मेरा बेटा का शॉपिंग है, तो जैसे मैंने कहा था ये सब मैक्स से मैंने लिया है, और ट्राउज़र सब गरम काफ़ी अच्छा है। ये एक रेड कलर का, एक ऑरेंज कलर का, मैक्स सिलीगुड़ी सिटी सेंटर, और ये एक जंपर लिए हैं। देखिए बच्चे बड़े होते तो हर साल कुछ ना कुछ नया लेना ही पड़ता है, टी शर्ट सब, यही सब। बताइएगा कैसा हुआ है। फ्रेंड्स, ये दुलाल है, अपने पहले ही मिल चुका। दुलाल हाय कर दो। तो ये भी सिलीगुड़ी गया था और मैंने इसको टैटू बनवा के दिया, इसको बहुत शौक था। देखिए कितना अच्छा से टैटू बनवाया, सीके टैटू है वहाँ, उनसे बनवाया। सो शायद इनको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा। दर्द भी हुआ है बहुत। ये लाइक यू, और इसको बनाने के लिए बहुत दिन से मैं सिलीगुड़ी जाता था आता था, जो टाइम नहीं मिलता था। अभी एक न्यू मेंबर से आपका इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये बहुत दिन बाहर था छुट्टी में, फिर आया है। नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक है, ये कटिहार स्टोर में जॉब कर रहा है मेरे यहाँ, और मुझे बहुत मानता है, एकदम अपना भाई जैसा है। हम लोग हंसी मजाक का हम लोग का रिलेशन है, मैं इसका वो हमेशा टांग खींचती रहती हूँ। तो कुछ बोलो मेरा फ्रेंड्स को अपने बारे में। यही चाहता हूँ कि मेरी भाभी ऐसा ही वीडियो बना और वीडियो से वायरल हो, और कोशिश कीजिएगा आप लोग कि वीडियो और आगे शेयर हो,
लाइक हो, कमेंट हो और कृपया करके आप लोग को यही रिक्वेस्ट करेंगे विनती है मेरे तरफ से कि हमारे भाभी का जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें। না তো ছোট হয়ে গেছে না গো থাক ওটার পড়াবো না আমি অনেক পড়েছে বেচারা ना फिर अभी मेरा बेटी का अलमीरा में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो क्योंकि श्रेष्ठा भी बड़ी हो गई है तो उसका हेल्प के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। की चा मासी हमें ग्रीन टी खाबो श्रेष्ठा थोड़ा हाई कर दो सो उसको देखना पड़ता है कि मम्मी कहाँ क्या रख रही है नहीं तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा तो फिर बोलेगी मम्मी आपने कैसे करके रखा है तो ये इल्ज़ाम में लेना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे तो बोलती बहुत है लड़की लेकिन लड़की क्यों ना जाने क्यों लड़कों से डरती है। सी नहीं होते लड़का जो कोई नहीं डरता है ठीक है ये अच्छी बात है फ्रेंड्स ये क्योंकि गार्जियन सी है हाँ चुके 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 साथ भी बहुत कभी साथ भी अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा बैठी क्यों रहती हूँ मैं क्यों नहीं कर रही हूँ लेकिन करती मैं ही हूँ हाँ। ये लोग अभी घंटा हिला रही है कुछ नहीं कर पा रही है हमको उठना ही पड़ेगा देखिए मुँह गिरा देखिए लगता है कि चपट के नीचे एक दे तमाचा मार के ये सब जाएगा नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मुझे उठना ही पड़ा मैं बोल रही थी ना बेकार है ये लोग बेकार है। ये देखिए आई है कब से मैं बोल रही हूँ कि करिए हेल्प करिए कोई नहीं चाय देने गए थे किसको प्रभु को हमको किस खुशी में बैठा है तुम देखो क्या तुमको लेना है नहीं लेना है तुम सीनी का फेवरेट ड्रेस दिखा दीजिए क्राफ्ट की तरह वाला या वैसा स्टेज पे जाती है प्रोग्राम पर आज तक फ्रेंड झूला नहीं तो कहाँ चाय अपना चाय आपके लिए लेके आया हूँ क्या चले चलो चले मितवा बोल ये देना है गरीब को दान करना बेटा तुम कुछ नहीं देती हो क्या तुम्हारा बेटा ये दे दे किसी गरीब को देखिए फ्रेंड्स देना ही नहीं चाहता है मैं हूँ कि मैं झोला भर भर के दे देती हूँ बेटा ये दे दे किसी को दान देखिए यही है अंतर मेरे में और मेरे बेटी में इंसान बोलता है कि बेटी बेटी माँ का छाया होता है लेकिन मेरी बेटी अच्छा बेटा ये दे दे किसी को देखिए फ्रेंड गौर कीजिएगा अरे हम पहनते हैं सारा दार्जिलिंग से लाई हूँ मेरी बेटी के लिए ये है ये कैप उसको बहुत पसंद आया तो ये देख के मेरी मम्मी बोले कि मेरे लिए भी बेटा एक क्यों एक कैप क्यों नहीं लाई मेरी मम्मी को बोले माँ आप कैप पहनोगे बोले हाँ ये काला है तो इसमें हेयर बहुत अच्छा से लगेगा कि माता में सच में बोला तुम्हारा नानी पहन के दिखाओ कैसा लग रही हो दिखाओ फ्रेंड्स को ये सिली का बैग है अभी जाएगी देखिए ये भी बेटी के लिए ली हूँ ये ड्रेस नेपाल से नेपाल में जो गए थे बहनी के दुकान वहाँ से पशुपति से नंबर भी है संतोष के पास नंबर भी है
शिनी का और भी शॉपिंग है। ये एक टॉप सब दार्जिलिंग से लिए हैं, नहीं ये शायद नेपाल से लिए हैं, ये दार्जिलिंग का है। ये एक टॉप और भी है, ये एक और भी है, ये हैंड ग्लव से फिंगर कटा हुआ, और जॉकी का ट्राउज़र टी शर्ट, ट्राउज़र टी शर्ट। तो इतना ही शॉपिंग शिनी का है, बेटा का दिखा दिए, अब लास्ट में मेरा दिखाएंगे। ঠিক আছে দেখবো ঠান্ডা পড়ুক। बेटी का भी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई है, सब न्यू कपड़ा सब लगा के रखे हैं और जो पुराना सब है उसको दीवार में डाल दिए, और विंटर का भी सब निकाल दिए। अब कुछ और लॉन्ड्री से आएगा फिर उसको अरेंज करना। फ्रेंड्स ये मेरा शॉपिंग है और ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है। ये मैंने नेपाल से लिया था, ये गरम कपड़ा का पैंट है फ्रेंड्स, और बहुत गरम है, यहाँ तो मिलेगा ही नहीं कटिहार में ऐसा, सिलीगुड़ी में भी मैंने देखा नहीं। ये दो पैंट मैंने लिया, हस्बैंड ने दिलाया पसंद करके, और ये एक ट्राउज़र के साथ वार्मर है, एक शीनी के लिए लिए मैंने दिखाया और एक मेरे लिए, और ये एक श्रग है, ये दार्जिलिंग से लिया है। ये भी दार्जिलिंग से टॉप, ये भी दार्जिलिंग से सेम शॉप से, सारा मुझे बहुत अच्छा लगा और एकदम सॉफ्ट है। ये भी दार्जिलिंग से, ये एक नाइट वेयर है। पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक एक पैटर्न का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दूंगी। ये एक जैकेट तो नहीं है, हल्का विंटर में पहनने का। ये एक टी शर्ट, और ये भी नेपाल से लिया है। सो फ्रेंड्स ये जो है ये मटेरियल है सेमी उलन, फुल उलन में नहीं बोलूंगी इसको, और इस येलो कलर में है, और इसके साथ टोपी भी दिया हुआ है, काफी कंफर्टेबल है, और ये है वाटरप्रूफ कपड़ा मटेरियल, और ये आपका विंटर में, हल्का विंटर में पहनने के लिए है, जैकेट ही बोल सकते इसको। और ये देखिए ये है आपका, आजकल निकला है वेलवेट में, तो ये वेलवेट कपड़ा के ऊपर है, और ये प्योर वूल का है फ्रेंड्स, ब्लू कलर का, और गरम है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन एकदम लाइट वेट है इसका, और नेक भी राउंड है। ये वी नेक का है, ये जींस के ऊपर पहनने का, ये भी उलन है लेकिन हल्का उल का है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इसके अंदर इनर देके आप पहन सकते हो। ये थोड़ा सा हेवी उलन है, गर्म भी है, और पीच कलर का है फ्रेंड्स, लाइट वेट है इसका भी, और ये क्रीम कलर का है फ्रेंड्स, और ये भी उलन है, गर्म है लेकिन बहुत लाइट वेट है, आप देख सकते हैं मटेरियल कितना लाइट है। ये थोड़ा हेवी है फ्रेंड्स, श्रग थोड़ा हेवी वेट का है, बटन भी है, मैंने देखा नहीं था, बटन्स भी दिया हुआ है, और ये तो आपका नॉर्मल जैसे टी शर्ट्स वगैरह आता है वही मटेरियल का है, बिस्किट कलर का है फ्रेंड्स, क्रॉप टॉप भी नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है क्योंकि मैं एकदम क्रॉप टॉप नहीं पहनती हूँ, कंफर्टेबल है। और ये आपका कॉटराइज मटेरियल में है और काफी गर्म है,
और ये ऊलन है, क्रीम कलर का है और ये प्योर ऊल का है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग आज आप लोगों को अच्छा लगे, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा सिंपल लाइफ रूटीन में से आज का दिन मैंने आप लोगों को दिखाया, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा कोशिश है कि कुछ ना कुछ नया आप लोगों को दिखाऊं। इसकी वजह से मैंने इतना दिन बाहर बिताया, 15 डेज में घर के बाहर थी, लेकिन अभी घर पे आ गई हूँ तो थोड़ा घर का चाल के साथ भी मुझे ढलना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल है, फिर मेरा भी डेली वर्क है, तो सब कुछ है फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरा फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हमेशा रहे, जुड़े रहे, मैं यही चाहूँगी। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ये व्लॉग पूरा देखिएगा। आज के लिए यही एंड करती हूँ, थैंक यू।